अब शोए अपना प्ले स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर की और सुनयान तो अपने अपने डायलॉग्स भी भूल जाते हैं। इवन कि मुआन तक सही से परफॉर्म नहीं करता। जब इनमें से एक ने नीचे लेटना होता है तो दोनों ही लेट जाते हैं। सब ऑडियंस तो उनके शो को देखकर हंस रही होती है। अब जब शोए एक को उठने के लिए कहती है तो दोनों उठ जाते हैं और यहाँ पर शोए फिर इस मेस को कम करने के लिए टंग को स्टेज पर बुलाती है। अब उसकी बारी सॉन्ग सिंग करने की होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो सिंग नहीं कर पाती और बस शोए तो जल्दी से फिर इस प्ले को ही खत्म कर देती है। अब उनका ये शो किसी को भी पसंद नहीं आता। टंग इसको खराब करने का खुद को जिम्मेदार समझ रही होती है, लेकिन मुआन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, असल में हमने भी कोई सही परफॉर्म नहीं किया है। और साथ में उसे ये भी कहता है कि मे बी हमें ये प्ले करने का मौका फिर से मिल जाए, तो इसलिए तुम हिम्मत मत हारो, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छे से परफॉर्म करना। तो इस बात से टंग को कुछ तसल्ली हो जाती है और साथ में उसे मुआन की बातों से कुछ कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। शोए टीचर को दोबारा प्ले करने के लिए मना रही होती है, लेकिन वो तो नहीं मानती। तो ये लोग फिर लटके हुए फेसेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब शोए तो इन दोनों से काफ़ी नाराज़ होती है। वो इसे मनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये तो उन पे गुस्सा करके वहाँ से जाने की करती है। अगर मैं भी होती तो मैं भी बिल्कुल इनके साथ ऐसा ही करती। खैर, बाद में स्कूल के बाहर शोए को स्कूल के ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट मिलता है और वो उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने की ऑफर करता है, लेकिन शोए उसे मना कर देती है कि आर सुनयान उसका गुस्सा कम करने के लिए उसे ट्रीट देने का सोचते हैं। और उस रेस्टोरेंट पर तो ये प्रेसिडेंट साहब भी आज धमके बैठे होते हैं और यहाँ पर वो इन दोनों को आज की परफॉर्मेंस को लेकर पॉइंट आउट भी करता है, लेकिन ये फिर शोए को यहाँ देखकर चुप रहना ही मुनासिब समझते हैं। अब शोए खाना तो खा लेती है, लेकिन उसकी नाराज़गी अभी तक ख़त्म नहीं हुई होती। घर पर सुनयान को हर जगह शोए ही दिखाई देने लगती है। अब तो हमारा हीरो कम्प्लीटली शोए के लव में ही पड़ गया हुआ था। अब इश्क तो इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। सो लेट्स सी कि ये इश्क आखिर हमारे हीरो को कहाँ लेकर जाता है। दूसरी तरफ की को भी हर जगह शोए ही नजर आ रही होती है और वो ना चाह कर भी खुद को उसे सोचने से नहीं रोक पा रहा होता। नेक्स्ट डे क्लास में टंग शोए से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारा प्ले खराब हो गया। तो वो उसे कहती है कि यार तुम सॉरी ना बोलो, वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरे दूसरे नमूने दोस्तों की वजह से हुआ था। फिर उससे सुनयान मिलने आता है और यहाँ पर वो उसे ये गुड न्यूज़ देता है कि मैंने टीचर्स को दोबारा प्ले करने के लिए मना लिया है। तो इस बात से शोए खुश हो जाती है और अब तो उसकी इनसे नाराज़गी भी ख़त्म हो गई होती है। अब वो फ्रेंड्स मिलकर फिर प्ले स्टार्ट करने से पहले उसके लिए प्रैक्टिस करने लगती हैं। अब यहाँ पर सुनयान ने तो डायलॉग्स का रट्टा लगा लिया होता है, तो शोए उसे अपने अंदर कुछ इमोशंस लाने को बोलती है। खैर, फिलहाल तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई होती है। उधर जिनको टीचर इतनी प्रैक्टिस करवाती हैं कि उसके पाँव पे चोट लग जाती है, वहाँ जो उसे प्रैक्टिस करता देख रहा था वो जल्दी से आकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर बाद में शोए भी उसे देखने आती है। अब जिन तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से भी रह जाती है। फिर बाद में फिर से प्रेसिडेंट उसे अपने क्लब का मेम्बर बनने को कहता है और साथ में जब वो उसके फ्रेंड्स को भी बुरा भला कहता है तो उस वक्त शोए को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर ही अच्छी खासी बातें सुना देती हैं। अब इससे पहले कि वो चिपकू उसे और चिपकता, इतने में सुनयान और की वहाँ पर आ जाते हैं, तो वो नमूना फिर वहाँ से चला जाता है। उधर टंग फिर से अपने कॉन्फिडेंस को लेकर परेशान होती है, तो मुआन उसे समझाता है और कहता है कि तुम कल ऑडियंस को बॉक्सेस समझकर परफॉर्म करना, देखना फिर तुम अच्छे से सिंग कर पाओगी। अब टंग यही हर बार यूज़ करने का सोचती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शोए की बर्थडे होती है, तो उसके पेरेंट्स उसे बर्थडे विश करने के साथ साथ मैथ की क्लासेस ज्वाइन करने को कहते हैं। तो इस बात से शोए काफ़ी चिढ़ती है। फिर स्कूल जाते हुए की उसे बर्थडे विश करता है और इससे पहले कि वो उसे गिफ्ट देता ऊपर से सुनयान आ जाता है, तो वो फिर उसे गिफ्ट नहीं दे पाता। फिर सारे फ्रेंड्स जिन का हाल चाल पूछ कर स्टेज पर जाने लगते हैं। अब की बार ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब इन्हें चेयर अप करते हैं। अब टंग की जब सॉन्ग सिंग करने की बारी आती है तो तब
कोई साउंड्स बंद कर देता है और ये किया धरा उसी चिपकू का होता है। लेकिन साउंड ना होते हुए भी टंग पहले तो सबको बॉक्सेस की तरह इमेजिन करती है और फिर अपनी क्यूट सी वॉइस में सॉन्ग सिंग करती है, तो सब उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत खुश होते हैं। अब घर जाते हुए की फिर से शोए को गिफ्ट देने के बारे में सोचते हैं बट नहीं दे पाता, फिर वो तो वहाँ से चला जाता है। अब सुनियान जिन डायलॉग्स को बोलने में इमोशंस नहीं ला पाया था अब वही वो इमोशंस लाकर उससे बोलता है, तो शोए तो सोच में ही पड़ जाती है कि इसे अचानक कौन सा दौरा पड़ गया है। वो फिर उसे कहती है कि रहने दो अब ये डायलॉग पाउजी, और साथ में उसे आईंदा ये सब बोलने के लिए नहीं कहती है। फिर सुनियान उसे बर्थडे विश करता है और साथ में गिफ्ट के तौर पर उसे एक ड्राइंग वाली कॉपी गिफ्ट करता है जहाँ पर उसने बहुत ही प्यारी प्यारी ड्राइंग्स की हुई थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है और सुनियान भी फिर से प्यार से उसके सर पर हाथ रख देता है। अब इन दोनों को की भी खड़ा विंडो से देख रहा होता है और साथ में उसे गिफ्ट ना देने पर दुखी भी हुआ खड़ा होता है। नेक्स्ट डे शोए की टीचर उसकी मॉम को स्कूल बुलवा कर उनसे शोए के एब्रॉड जाने की बात करते हैं, तो अब वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाती हैं और साथ में वो उसे एब्रॉड ना भेजने का डिसाइड करती हैं। और इस बारे में जब वो शोए से बात करती हैं तो वो इस बात से भड़क जाती है कि ये क्या बात हुई, मेरी मॉम को तो मेरी ख्वाहिशात की कोई परवाह ही नहीं है। अब की जब शोए को गिफ्ट देने जा रहा होता है तो तब सुनियान को उसी के घर जाता देख कर फिर वहाँ नहीं जाता। शोए की मॉम सुनियान को खाना देकर उसके रूम में भेजती है कि उसने नाराजगी की वजह से खाना नहीं खाया है। अब फिर उसके रूम में जाकर वो उसे समझाता है कि हमारे पेरेंट्स तो हमारा भला ही चाहते हैं, तो तुम उनसे नाराज ना हुआ करो। एंड फिर वो उसे मशवरा देता है कि तुम अपनी सिफारिश मेरी मॉम से करवाओ, हो सकता है इस तरह तुम्हारी मॉम एग्री हो जाएंगी। उसके इस आइडिया से शोए बहुत खुश होती है। अब हमेशा की तरह हमारा हीरो उसके सर पर फिर से प्यार से हाथ रख देता है। स्टोर पर जब जिन को पता चलता है कि टंग वान के साथ ही काम करती है तो वो फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब तो इस मैडम को वान की किसी और के साथ दोस्ती पसंद ही नहीं आती। खैर टंग तो इतना जान गई थी कि वान तो जिन को बहुत लाइक करता है, वो इस बात से सैड हो जाती है क्योंकि वो भी तो उसे लाइक करती थी। शोए सुनियान की मॉम के पास पहुँच गई होती है और उन्हें अपनी मॉम को खुद की सिफारिश करने के लिए कहती है, तो वो फौरन से उसकी सिफारिश करने के लिए मान जाती हैं। इस बात से शोए बहुत खुश होती है। सुनियान मास्टर लॉ की प्लेस पर ड्राइंग करने आया होता है और यहाँ पर वो उसकी ड्राइंग्स देखकर उसे मशवरा देते हैं कि तुम बस अपनी ड्राइंग्स में फीलिंग्स पुट करो, बाकी सब ठीक है। तो सुनियान इस बात पर गौर करने लगते हैं। दूसरी तरफ उसकी मॉम शोए को एक खूबसूरत ड्रेस एज अ गिफ्ट देती हैं और साथ में पहन कर दिखाने को भी कहती हैं। अब जब वो ये ड्रेस पहनने जाती हैं तो इतने में सुनियान भी घर आ जाता है और यहाँ पर मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एंड तभी शोए वो ड्रेस पहन कर आ जाती है। वो इस ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही होती है कि सुनियान तो बस उसे ही देखता रह जाता है। लेकिन उसके पूछने पर वो उसे कहता है कि हाँ बस तुम ठीक ही लग रही हो। अब ये ड्रेस उसे थोड़ा लंबा होता है तो वो ये ठीक करवाने मिसेस किंग के पास आती है। अब शोए का पता करने जब मॉम मिसेस निंग के पास आती है तो वो यहाँ पर आखिरकार उनसे शोए की सिफारिश कर ही लेती है। अब वो शोए को एब्रॉड भेजने पर सोचने लगती है। अब रात को जब शोए उन्हें मिस निंग का दिया हुआ ड्रेस दिखाती है तो वो उसे डांटने लगती है कि जरूर तुमने ही उनसे मांगा होगा जो उन्होंने दिया। तो शोए उन्हें अश्योर करवाती है कि ऐसी बात नहीं है, उन्होंने खुद ही मुझे ये गिफ्ट किया है। खैर वो फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके मॉम को अपनी साइड पे कर ही लेती है और फिर वो उसे पैसे देती है कि कल जाकर अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना। अब वो भी भाग कर की के पास जाती है और उसे अपने साथ कल शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि इसने सुनियान से पहले मुझे अपने साथ शॉपिंग पर चलने को कहा है तो वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।